Assalamualaikum जी, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बट द थिएटर लिखा वैदर बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पर जी, आप लोग जो समर पे जाते हैं तो छोटी छोटी खुशियाँ आपको यहीं मिलती हैं, लाइक नारियल पानी एंड जल्दी वाला एंड गजरे। आपको हर अपनी फेवरेट चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, आपकी फुल इंजॉयमेंट होती है। लाइक आपको दिल करता है कि यार फ्रेश हो जाते हैं आप, और आपको नेचर को देख के एक अलग ही फील आ रही होती है। यहाँ पर हमने प्लम्बिंग वगैरह इंजॉय किया, फिर अपने घर की तरफ आ चुके थे, रवाना हो चुके थे। रास्ते में इतना हसीन बेहतर था, और जब हम जाई पे थे तो नीचे बादल नजर आ रहे थे, इतना गर्म था। उठ के इंजॉय किया जब गाड़ी से निकल के, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा थी कि हमने कहा नहीं बस अब घर ही चलते हैं। जब शाम में बात पहुँचे तब मेरी आँख खुली, रास्ता सारा मुझे नींद आई रही। देन जी हम लोग थके हुए थे तो सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए मैंने चाय बनाई। मोस्ट मेहनत मेल्ट हो रहा था, और आज हमारे घर में बन रहा था जी सालन एंड साथ में यखनी पुलाव। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ज़्यादा किचन में वक्त गुजारा ही नहीं। थकान भी थी और तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से। लेकिन इंजॉयमेंट इतनी ज़्यादा हुई थी कि मुझे अब भी दोबारा दिन करेंगे मैं दोबारा चली जाऊँ। मतलब इतना रश नहीं था, और लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि दोबारा एक ट्रिप प्लाजम लगाना चाहिए ताकि जो है ना इंजॉयमेंट हो सके, मना रिफ्रेश हो सके। लेकिन अभी जो है फिलहाल लोगों की छुट्टियाँ चल रही हैं, मुहर्रम की भी छुट्टियाँ होंगी तो लोग ज़्यादातर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ बेस्ट जो टाइम होता है ना ट्रिप लगाने का, वो अगस्त के बाद होता है। मतलब जब लोगों की छुट्टियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, रश जो है ना ख़त्म हो जाता है, तब इंसान जो है ना टूर पर जाए ताकि एक सुकून भी हो और एक इंजॉयमेंट भी हो जाए। और आपके इर्द गिर्द लाजिम लाजिम कोई ना कोई ऐसी जगह होगी छोटी मोटी जहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट के लिए जा सकते हैं। आप ज़्यादा पैसे मत रखें, आप ज़्यादा दूर ना जाए, लेकिन आपके करीब जो इलाका पड़ता है आपके करीब कोई छोटी मोटी से पिकनिक पॉइंट आप ज़रूर जाए करें, ताकि आप एक फ्रेश अपने अंदर जो है ना चेंज फील करें। जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।